गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश स्पाइस। सो मैंने जैसे कि आपसे कल प्रॉमिस किया था कि मैं आज भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन फेस्टिव एप्रोप्रिएट कुर्ता प्लाजो या फिर कुर्ता सेट जो कि है अमेजोन से। एंड अभी अमेजोन पे चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो कि इस साल की सबसे बड़ी सेल है जिसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं सबके परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेक करना मत भूलिएगा। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्लस जितने भी प्राइसेस रहेंगे जो अभी रीसेंट प्राइस पर जो भी प्रोडक्ट्स से मिल रहे हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उनको ढूंढने के लिए, एंड लिंक्स तो आपको बॉक्स में मिले जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले जाएंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, एंड मैं बार बार वहाँ इसे देख रही हूँ क्योंकि मुझे वो कुर्ता अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आपको भी आई एम श्योर अट्रैक्ट करने वाला है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट फन कुर्ता इज दिस जो कि है प्रॉपर चिकन का कुर्ता, और ये मुझे अपनी तरफ जब मैं इसको देख रही हूँ तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको तुरंत ही पहन लूँ क्योंकि ये बहुत ही प्यारा है। प्लस बिल्कुल फेस्टिवल अप्रोप्रिएट है ये कुर्ता। दिस इज फ्रॉम ब्रांड अदा की तरफ से है। इसमें मेरा साइज है एक्स्ट्रा स्मॉल 36 मतलब, एंड इसका जो MRP है वो है 999। एंड ये मुझे जितने भी प्राइस में रिसीव हुआ होगा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो ये प्योर कॉटन का कपड़ा है जिसपे चिकनकारी का पूरा वर्क दिया है, ये मतलब पूरा हैंडवर्क है, एंड मटेरियल इज रियली वेरी सॉफ्ट। मुझे लगा था कि हो सकता है चिकन का कुर्ता है, पता नहीं किस क्वालिटी में आएगा, लेकिन ट्रस्ट मी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड ये बहुत रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया, एंड चिकन के कपड़े यार मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, इसके नीचे आप इसको स्टाइल कर सकते हैं मरून कलर की या येलो कलर की लेगिंग के साथ, बहुत प्यारा लगेगा। ये प्लाजो पे नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि चिकन का वर्क इसमें दिया हुआ है। ये प्लेन ब्लैक है और इसका कलर तो पता नहीं मुझे जाएगा नहीं जाएगा, बट मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसके साथ आपको पता है मुझे रिसीव हुआ है 250 रुपीज़ का वाउचर, मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। सो ये इन्होंने अपने ब्रांड के लिए, मतलब इनकी वेबसाइट है adachicken.com, और ये इन्होंने मुझे ये दे रखा है कि मैं अगर इनकी वेबसाइट से कुछ भी परचेज करूँगी तो मतलब जो कि 2 महीने के लिए वैलिड होगा तो मुझे इसमें 250 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये भी हम परचेज कर लेंगे, क्यों नहीं यूज़ करेंगे, राइट। सो ये है मेरा फर्स्ट कुर्ता जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, एंड आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो नेक्स्ट में है मेरे पास क्या है मेरे पास, ओके मेरे पास एक ये आप इसे काइंड ऑफ ड्रेस बोल सकते हैं और क्या फिर कुर्ता भी बोल सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है। तो ये कुछ इस तरीके का है, ये ड्रेस ही आप बोल सकते हैं, ये कुछ इस तरीके की ड्रेस है, एंड दिस इज़ इन रेयॉन, और इसमें जो मेरा साइज़ है वो है मीडियम दिया हुआ है, और ये है फ्रॉम ब्रांड ओम साई लेटेस्ट क्रिएशन। इसका जो MRP दिया है वो है 1999। एंड तो ये काइंड ऑफ ड्रेस है, आप इसको जीन्स के ऊपर भी कैरी कर सकते हैं, ये बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा लग रहा है। ठीक है, और इसमें 3-4 स्लीव्स ये रखी हैं, साइड में इसमें रफल का डिज़ाइन दिया हुआ है, एंड फ्रंट में यहाँ पे इस तरीके से डोरी दी है जिसको आप आगे से टक मतलब बांध सकते हैं, एंड इसके वेस्ट में इस तरीके से इन्होंने इलास्टिक लगा रखा है ताकि आपकी वेस्ट पे अच्छे से फिट हो जाए, फिर ये नीचे से फ्लेयरी लगेगा। तो मुझे ऐसी फ्लेयर ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बस आपकी बॉडी शेप बहुत अच्छा आपको मतलब प्रोवाइड कर देती हैं। तो इस काइंड की ये ड्रेस है, आप इसको चाहो तो लेगिंग के साथ, जीन्स के साथ, किसी के साथ भी आप कैरी कर सकते हो, चाहो तो आप इसको एज अ ड्रेस भी इसी तरीके से कैरी कर सकते हो, इसके नीचे कुछ मत पहनिए, या एक नी लेंथ तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो ये थी मेरी सेकेंड ड्रेस। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। सो नेक्स्ट में है मेरे पास ये अगेन, ओके तो ये बहुत ही प्यारा सा मेरे पास एक प्रॉपर आई गेस सूट है, ये 3-पीस कपड़ा है, दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड अहिका की तरफ से है। सो मेरा साइज है स्मॉल, इसका कलर है ग्रीन, इसमें कुर्ता भी है, प्लाजो भी है, दुपट्टा भी है, एंड इसका जो MRP है वो है 3997, बट आई एम श्योर मुझे 3997 में तो रिसीव नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी बहुत अच्छी खासी सेल चल रही है, तो आई गेस 1000 या 1200 के आसपास का कुर्ता ये था। ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड अहिका, इस तरीके का ब्रांड दिया हुआ है। पहले मैं आपको इसका कुर्ता दिखाती हूँ कि कैसा कुर्ता है। वाओ, दिस इज़ वेरी सॉफ्ट, ये प्रॉपर प्योर कॉटन का कपड़ा है। ठीक है, आप इसे घर में भी पहन सकते हैं। वाओ, मुझे बहुत प्यारा लगा, ये लाइटिश ग्रीन कलर का कुर्ता है जिसमें पूरे में पिंक एंड डार्क ग्रीन कलर की डिज़ाइन दे रखा है, मतलब पूरे पे वर्क दिया हुआ है।
सामने से यहाँ पे इस तरीके का डिजाइन दिया है जिसमें हल्के हल्के से नग जैसे होते हैं ना वो लगा रखे हैं इन्होंने, एंड 3/4 sleeves का ये 3/4 sleeves के इसके हाथ हैं और साइड से ये एंड वाला है, तो अगर आपको छोटा बड़ा कुछ भी है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका कुर्ता जो कि प्योर कॉटन है, बहुत ही प्यारा सा कपड़ा लग रहा है इसका। और ये है इसका प्लाजो, ये है इसका प्लाजो, ये भी प्योर कॉटन है एंड प्लाजो जैसा होता है वैसा ही प्लाजो दिया हुआ है। इसमें भी पूरे में वर्क दे रखा है, मैं आपको साइड में पहनी दूंगी आपको समझ में आ जाएगा। एंड इसमें आगे से इस तरीके से ये भी दिया है डोरी इसको अच्छे से टक करने के लिए। ये है इसका दुपट्टा, क्योंकि देखो कॉटन है, देखो पता चल रहा है साथ में कि मतलब अच्छा कॉटन दे रखा है इन्होंने, ठीक है। आप इसे घर पे बहुत आराम से पहन सकते हो, फिर किसी भी फंक्शन में भी आप इसे पहन सकते हो। वाओ, मुझे बहुत प्यारा पसंद लगा, मुझे इसका प्रिंट प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। ये प्योर कॉटन है तो जब ये धुल जाएगा तो ये अपनी मतलब जो सॉफ्ट नहीं हो जाता है बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अभी थोड़ा वैसा हो रहा है, मतलब मोटा मोटा सा होता है ना, कड़ा कड़ा जो कपड़ा होता है ये वैसा हो रहा है, तो जब ये धुल जाएगा तो ये अपने आप में श्रिंक हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो मुझे ये सूट मेरे को बहुत पसंद आया, आफ्टर दैट चिकन वाला कुर्ता मेरा ये फेवरेट होने वाला है, ठीक है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। सो नेक्स्ट में है मेरे पास अगेन एक सूट मैंने ऑर्डर किया था, एंड दिस इज फ्रॉम ब्रांड अनी डिज़ाइनर की तरफ से, कोई अनी डिज़ाइनर कोई ब्रांड है, और ये है 2599। इसमें प्लाजो भी है, दुपट्टा भी है, और ये वाइट एंड ब्लू कलर में दे रखा है। मैं आपको ओपन अप करके दिखाती हूँ। ये भी प्योर कॉटन है, ये भी प्योर कॉटन है, ओके। तो ऑल राइट, सो ये थोड़ा सा अभी कड़ा हो रहा है क्योंकि कॉटन है तो हल्का सा कड़ा है। कुछ कुछ कॉटन होते हैं ना कड़े होते हैं, फिर जब आप उनको धो लेते हैं एक बार तो वो धीरे 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 अपनी मतलब ये कड़ापन खो देते हैं, खो नहीं देते मतलब ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, ठीक है, ओके। सो ये सिंपल सा है, ब्लू कलर में, मतलब वाइट कलर में पूरा कुर्ता है, ब्लू में इसमें पूरे में पैटर्न इस तरीके से डिज़ाइन दे रखा है, साइड में स्लिट एंड दे रखा है, 3/4 sleeves का इसका ये कुर्ता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पक्का लूज होगा, मुझे इसको स्टिच कराना पड़ेगा क्योंकि इसमें साइज़ ही क्या है, दिस इज़ इन स्मॉल साइज़, ओके। मुझे ना एक्स्ट्रा स्मॉल ज़्यादा अच्छे से फिट आता है। तो ये है कुर्ता, और इसका जो ये क्या है, ये इसका प्लाजो है, ये भी बहुत ज़्यादा, देखो ये पता चल रहा है जिस काइंड ऑफ जो इनका फोल्ड है उसी से समझ में आ रहा है, क्योंकि दुपट्टा उसका ऐसा ही फोल्ड था तो वो भी हल्का सा कड़ा कड़ा था, बट उसका सूट बिल्कुल मेरे को लग रहा है वो रेयन प्लस कॉटन मिक्सअप होगा, पर वो बहुत प्यारा था जो भी कपड़ा है, ठीक है। ये इन्होंने इस तरीके से इसका प्लाजो दिया हुआ है, ये भी अगेन थोड़ा जब श्रिंक हो जाएगा धुल के तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी ये ऐसा हो रहा है, इस तरीके से कुर्ता है और ये इसका दुपट्टा दे रखा है। दुपट्टे की लेंथ अच्छी खासी दी हुई है, अच्छी खासी लेंथ है, 2.5 meters तो होगा आई एम श्योर। ऑल राइट, इस तरीके से है ये पूरा, इस तरीके से, ठीक है। इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, प्लस मैं आपको साइड में पहन के दिखा रही हूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये था मेरा नेक्स्ट पीस, एंड मूव ऑन करते हैं इस पूरे हॉल के लास्ट आइटम की तरफ। सो लास्ट में है मेरे पास ये वाला अगेन, ये भी पूरा कुर्ता प्लाजो दुपट्टा का सेट है, ये बिल्कुल अभी आप नवरात्रे आ रहे हैं किसी भी दिन आप पहन सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगा इसका कलर एंड ऑल। सो ये है फ्रॉम ब्रांड गोस थ्रिकी, एंड इसमें मेरा साइज है स्मॉल, इसका MRP इसमें मेंशन नहीं किया गया है, वेट, इसका MRP है 3599, और ये मुझे आई गेस अगेन 1000-1200 के आसपास रिसीव हुआ होगा। ये कॉटन प्लस रेयन मिक्सअप है, ठीक है। इसमें भी अगेन 3/4 sleeves दे रखी हैं, साइड में यहाँ पे इन्होंने बॉर्डर दिया है, और पूरा कुर्ता पिंक कलर का है जिसमें बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन दे रखा है, मतलब गोल्डन कलर से डिटेलिंग दे रखी है पूरे उसमें कुर्ते में, ठीक है, आगे से भी और पीछे से भी। मुझे लग रहा है मुझे काफ़ी हद तक फिट आ जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा सा शायद फिट नहीं आएगा, मतलब हल्का सा मुझे स्टिच कराना पड़ेगा। एंड ये इसका दे रखा है प्लाजो, प्लाजो की लेंथ अच्छी खासी दे रखी है, प्लाजो के एंड वाले पार्ट पे इन्होंने अगेन वो बॉर्डर दिया है जो उन्होंने उसके हाथ में एंड में दे रखा है। और लास्ट है इसका ये दुपट्टा जो कि कॉटन प्लस रेयन मिक्स है, क्योंकि वो छूने से ही पता चल रहा है। तो दुपट्टा पूरा प्लेन है, बस इसके सारे बॉर्डर्स पे इन्होंने सेम वही डिज़ाइन दिया हुआ है जो पूरे कुर्ते में दे रखा है,
प्लाजो के नीचे वाले पार्ट में दे रखा है, तो वो दे रखा है, मतलब ये अच्छा खासा लगेगा, फेस्टिवल अप्रोप्रिएट है ये पूरा। आप इसे एक साइड से ले सकते हो या फिर आप इसे दोनों साइड से कैरी कर सकते हो। मैंने जैसे भी कैरी किया होगा वो आपको बगल में दिख रहा होगा। सो यही था मेरा लास्ट पूरा सेट। सो यही था मेरा आज का पूरा हॉल एंड आई रियली विश आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एक तो बहुत अफोर्डेबल हैं, प्लस बिल्कुल फेस्टिवल अप्रोप्रिएट है। अभी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं एंड इसके साथ ही चल रही है अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जिसको आप आई एम श्योर मिस आउट नहीं करना चाहेंगे। तो मेरी वीडियो से आपको ये तो हेल्प मिल जाएगी कि आपको क्या परचेज करना है और क्या नहीं, किस क्वालिटी अच्छी, किस क्वालिटी अच्छी नहीं है। सारी चीज़ें, सभी प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर दी है, वहाँ पर आके आप चेक जरूर कर लीजिएगा एक बार। उसके अलावा भी आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं इधर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, चाहे वो फैशन कैटेगरी है, चाहे वो मेकअप है, चाहे वो आपके डेली वेयर एसेंशियल्स हैं, कुछ भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।